बड़ा महाद्वीप है और इसके अंदर एक भी क्या नहीं है, मरुस्थल, एक भी मरुस्थल नहीं है। और यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा घूमने वाले या टूरिस्ट जो पैलेस है सबसे ज़्यादा, जैसे स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी, इटली, इंग्लैंड जैसे जो देश बोले जाते हैं, विकसित देश भी उनको बोला जाता है, वे सभी के सभी किस में हैं, यूरोप महाद्वीप में है। और यूरोप महाद्वीप में सबसे पहले क्या निकल के आया, राष्ट्रवाद। तो ये राष्ट्रवाद क्या होता है, इसके बारे में भी हमें जानना चाहिए कि ये राष्ट्रवाद क्या चीज़ है और कैसे इसका उदय हुआ, ये इस पर चैप्टर में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद क्या होता है। राष्ट्रवाद से पहले वाद किसके पीछे लगता है और राष्ट्र क्या होता है। राष्ट्र अपने एक प्रकार से एक ऐसा ज़मीन का टुकड़ा जिस जिसके अंदर रहने वाले लोग, जिसके क्षेत्र में एक ज़मीन का टुकड़ा और जिसमें रहने वाले जो लोग हैं उनकी या एक भाषा भाषा संस्कृति या रीति रिवाज रिवाज, ये जब सारी चीज़ें समान पाई जाती है तो किसको उसको कैसा रूप बन जाएगा, राष्ट्रवाद। और जब इस तरह की जो भावना है, जो बड़े स्तर पर जो इस तरह की भावना है जो बड़े स्तर पे उन लोगों के मध्य पाई जाती है तो क्या बन जाएगी, राष्ट्रवाद। मतलब जब किसी एक विषय को लेकर जब एक विषय को लेकर उसके बारे में बड़े स्तर पे सोचा जाता है तो कि उसको क्या बोला जाएगा, उसके पीछे क्या लगेगा, वाद। जैसे कि जब पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा गतिविधियाँ जब आतंकवाद की होती है, आतंक फैला जाता है जगह जगह, हिंसात्मक गतिविधियाँ होती है, बम विस्फोट होता है, तो उसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है, आतंकवाद। तो ये मतलब कि अलग अलग जगहों पर बड़े स्तर पर जब एक ही समान गतिविधियाँ होती है तो उनके पीछे क्या लग जाता है, वाद। जैसे एक समय आया था पूंजीवाद आया था, एक समय वाणिज्यवाद आया था, एक समय साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद। जैसे आपने पढ़ा होगा भारत भी अंग्रेजों का क्या था, एक उपनिवेश था। तो जब पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा उपनिवेशों पर जोर दिया जाता था इसलिए उस समय क्या वर्ड प्रयोग किया गया, उपनिवेशवाद। उसी प्रकार जब सारी दुनिया आज़ाद होने के लिए या फिर संगठित होने के लिए जिस चीज़ का प्रयोग किया जाता था उसको क्या कहते हैं, राष्ट्र। और जब ये बड़े स्तर पे इनका प्रयोग किया गया तो क्या हो गया, ये राष्ट्रवाद की श्रेणी में उसको रखा गया। तो आपको पता चला कि यूरोप है उसके महाद्वीप, उसके बारे में बताया गया, उसके बाद राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्र क्या होता है, वाद क्या होता है, ये पता ये करते हैं कि राष्ट्रवाद है इसकी अभिव्यक्ति या फिर ये चीज़ कहाँ से निकल के आई, कहाँ पर ये राष्ट्रवाद का विचार सबसे पहले फलीभूत हुआ, कहाँ पर ये सबसे पहला विचार रखा गया लोगों के अंदर, ये विचार कहाँ से आए, कौन सी ऐसी विचार थे, विचारधारा थी जिनकी वजह से लोगों में राष्ट्रवाद की ये भावना को बल दिया गया। तो आपको बता दें फ्रांस की क्रांति आपने पढ़ा होगा, 9th क्लास का जो पहला चैप्टर है वो है फ्रांस की क्रांति। तो फ्रांस की क्रांति जो 1789 में हुई, तो फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई, तो इस क्रांति का एक नारा था और उसका नाम वो था समानता, समानता, बंधुत्व और भाईचारा। ठीक है, इन चीज़ों को अगर हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो आपको बताया था राष्ट्रवाद जो सारी चीज़ों को क्या, भाषा संस्कृति और रीति जो में समानता पाई जाती है उसी प्रकार क्या है, समानता, बंधुत्व और भाईचारा। मतलब कि लोगों में समान होगा, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। बंधुत्व का मतलब क्या होता है, एक दूसरे का सहयोग करके रहेंगे। और भाईचारा मतलब एक प्रकार से भाईचारा का मतलब लोगों में संगठित होने के किसी प्रकार के द्वेष की भावना न होना। तो ये फ्रांस की क्रांति की देन थी, जब 1789 की फ्रांस की क्रांति हुई उसने ये नारा दिया। उसके बाद एक हुआ नेपोलियन, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट, ये कहाँ का, फ्रांस का क्या था, सम्राट, फ्रांस का सम्राट था। और इसने 1804 में क्या तैयार करवाई, नागरिक संहिता। नागरिक संहिता, संहिता का मतलब होता है कानून व्यवस्था, कानून व्यवस्था किसने बनवाई, नेपोलियन ने। और इसको नेपोलियन संहिता के भी नाम से जाना जाता है, जो नागरिक संहिता है इसको नेपोलियन संहिता के नाम से भी जाना जाता है। और उसी बरगा फ्रांस की क्रांति ने सारी दुनिया को एक विचार दिया, कौन सा था, समानता, बंधुत्व, भाईचारा, ये आगे जाके किस रूप में जाना गया, राष्ट्रवाद। तो
तो राष्ट्रवाद की सबसे पहले अभिव्यक्ति, सबसे पहले पहले अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति का मतलब होता है कोई बात जाहिर करना या किसी बात को प्रस्तुत करने के लिए काम करना, तो कहाँ पर हुई है, फ्रांस की क्रांति में हुई। उसके बाद आते हैं कि जो बैकग्राउंड होता है राष्ट्रवाद जब पनपता है उससे पहले की क्या स्थिति होती है उस देश में या उस समाज में, तो उस प्रकार की बात है कि निरंकुशवाद। निरंकुश क्या होता है, निरंकुश का जब आपको किसी शब्द के बारे में जानना होता है तो उसको आप संधि करने का प्रयास करें और उसको अलग करके देखें कि वो क्या कहता है। निरंकुश मतलब, निरंकुश मतलब जिसके ऊपर अंकुश ना हो, जिस पे नियंत्रण ना हो, किसी के अधीन ना हो और वो हर प्रकार के निर्णय लेने के लिए, डिसीजन लेने के लिए अपने आप में इंडिपेंडेंट हो, वो किसी के अधीन कार्य ना करे या कोई उसको आदेश देने वाला ना हो। और निरंकुशवाद की जब बात करते हैं, ये एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें सैन्य बल, अधिकार और शोषण या दमन, दमन की ये प्रवृत्ति है जिसके अंदर जाहिर होती है वो क्या कहलाता है, निरंकुशवाद। मतलब जो राष्ट्रवाद पनप रहा था, लोगों को किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं दिए गए थे और जो राजा होता था वो सेना पे उसकी शासन व्यवस्था चलती थी और वो किसी के अधीन नहीं था, किसी प्रति जवाबदेह नहीं था और वो हमेशा शोषण और दमन की प्रवृत्ति को अपनाता था। जब जैसे राष्ट्रवाद आता है उस दौरान एक लोगों से बात पूछी जाती है और उसके लिए एक शब्द प्रयोग, एक टर्म यूज की जाती है जिसका नाम क्या है, जनमत संग्रह। जन का मतलब होता है लोग और मत का मतलब विचार और संग्रह का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना। मतलब लोगों का विचार जानकर एकमत होना, मतलब कि कोई एक विषय ले लेते हैं उसके ऊपर लोगों से पूछा जाता है क्या कि भाई आप इस चीज़ में, ये विषय है और इसके ऊपर आप लोगों की क्या राय है, तो सभी लोग उस पर लिखित रूप से सहमति या असहमति की जो भी उनके विचार है जो उसके बारे में वो चीज़ें वो लिखकर प्रकट करते हैं। और उसके बाद आता है मध्यम वर्ग, एक होता है जो पैसों से फलीभूत संपन्न जो वर्ग होता है उसको उच्च वर्ग कहते हैं और एक होता है गरीब मजदूर का जो वर्ग होता है उसको निम्न वर्ग कहते हैं। और जिसके पास सामान्य रूप से आर्थिक संसाधन भी होते हैं समाज में, एक प्रकार से उनके पास मान सम्मान एक ओहदा भी प्राप्त होता है और जिनके पास समय भी होता है, वो किसके अंदर आता है, मध्यम वर्ग। और जब आपको पढ़ा फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई, उसके बाद जो नेपोलियन बोनापार्ट था, नेपोलियन बोनापार्ट था, वो भी किस वर्ग से संबंध रखता था, मध्यम वर्ग। और फ्रांस की क्रांति की एक सबसे बड़ी देन है कि जब फ्रांस की क्रांति हुई उसके बाद जब नेपोलियन बोनापार्ट वहाँ का सम्राट बना फ्रांस का, तो मध्यम वर्ग का उदय उस समय हुआ।